अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जिस जिसने भी मेरी वीडियो लाइक की और चैनल सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू सो मच। अच्छा, और जिन्होंने नहीं लाइक किया और नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो जो है वो ऑलरेडी मैं फेस वॉश की बना चुकी हूँ, तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो आपको मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ जाके आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको जो है ये फेस वॉश दिखा रही हूँ, ये ऑलरेडी डिटेल में मैं बता चुकी हूँ, तो आप उसमें जाके देख लीजिएगा। खैर, ये वाला जो फेस वॉश है मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये 2-in-1 है। दैट मीन्स कि फेस वॉश के साथ ये स्क्रब भी है। और यहाँ पर मेरे पास इसके साशे हैं, और फर्स्ट वाले स्टेप में यही जो फेस वॉश है ये इसके अंदर होता है, और सेकंड में ये प्यूरिफाइंग मास्क है इसके साथ जो गिवन है। आप समझें, एक मिनी फेशियल है आपके लिए। तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग भी ट्राई करके देखें, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बताऊँ कि एक अच्छी प्रोडक्ट है, तो आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। और बाकी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और थैंक यू सो मच। अच्छा, नेक्स्ट जो है मेरे पास ये ब्राइडल बीबी क्रीम है, या फिर आप इसको बीबी ब्राइडल भी कह सकते हैं। तो मेरे पास ये 2 शेड्स में है। यहाँ आप देख लें बॉक्स को अच्छी तरह से। मैंने तो खैर अभी तक इसको यूज़ भी नहीं किया, बिकॉज़ मुझे जो है ना असल में मुझे जो है बेसिकली समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास ये 2 शेड्स हैं, आइवरी और इसका दूसरा शेड है FS 45। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये लाइट बेस है, और ये देख सकते हैं आप, ये दोनों शेड हैं मेरे पास। तो मैं आपको इनको ओपन करके दिखा देती हूँ पहले, फिर मैं आपसे बताती हूँ कि असल मतलब बात क्या है। अच्छा, ये देखें आप, ओपन करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देख सकते हैं आप, मैंने इसको अभी तक यूज़ भी नहीं किया है, मैंने बस इसको स्वैच करके देखा था कि क्या ये मेरी स्किन टोन के साथ जा रहा है या नहीं। तो ये FS 45 जो है ये बहुत ज़्यादा डार्क है, ये तो मेरी स्किन टोन के साथ नहीं जा रहा। और सेकंड जो ये आइवरी शेड है मेरे पास, तो ये कुछ मिलता जुलता है मेरी स्किन से। तो ये फिर भी मैंने इसको एक दफ़ा लगा के देखा है, लेकिन असल मसला ये है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो अगर आप में से किसी को पता है कि इसका एप्लीकेशन का बेहतर तरीका कौन सा है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, या फिर कोई वीडियो हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट में जो है वो पिन कर दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं ज़रूर चेक कर लूँगी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। एक दफ़ा फिर, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।